साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो विषय सीखने जा रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे शीर्षक है कुंडली स्त्री का है या पुरुष का, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यानी कुंडली किसका है। कोई जातक जब आता है और हमारे पास कुंडली दे करके कहता है कि पंडित जी ये बताइए कि ये कुंडली जो हम दे रहे हैं आपको, यह स्त्री का है या पुरुष का है, आप स्वयं देख करके बताइए। इसके लिए हम लोगों को ये श्लोक याद रखना चाहिए ताकि हम जातक को समझा सकें और बता सकें। रवि राहु कुंजांकानी लग्न लग्नांकेन च योजयेत निर्भीर्भा गावसे सत्से च खैचे नारी द्वये पुमान। अर्थात यदि कुंडली कोई व्यक्ति दिखाकर यह प्रश्न करे कि यह जन्म कुंडली पुरुष की है या स्त्री की है, तो उस कुंडली में सूर्य राहु और मंगल, यानी सूर्य राहु और मंगल ग्रह जो हैं जिस जिस राशि पर बैठे हों, उस राशि की संख्या एवं लग्न संख्या उन सभी को जोड़ लें। उसमें तीन का भाग देने पर यदि शेष शून्य बचे या एक बचे तो वह कुंडली स्त्री का है। यानी भागफल से मतलब नहीं है, शेष से मतलब है। तीन से भाग देने पर यदि एक बचे या शून्य जीरो बचे तो आप समझें कि ये कुंडली जो है स्त्री का है, तथा दो शेष बचे तो पुरुष की है, ऐसा कहना चाहिए। ध्यान ये रखें कि यदि वह कुंडली सही समय एवं सही विधि से बनाई गई हो तो ही आप समझें कि ये सही है। तो हम लोग के पास बहुत तरह के ऐसे जातक आते हैं जो हमसे तर्क भी करते हैं या अनाड़ी बन करके, अनजान बन करके हमसे सवाल कर देते हैं, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये विषय हमने तो जाना ही नहीं। तो इस विषय को देख करके हमारे पास भी बहुत तरह के लोग ऐसे आते हैं जिसे हम चाहते हैं कि इन सभी बातों को भी मैं आप लोगों के सामने रखूं, ताकि आप लोग भी इस बात को समझें कि ऐसे भी जातक आएंगे, तरह तरह के बेतु का सवाल करेंगे। तो हमें जानकारी कर लेना बहुत आवश्यक होगा। तो यदि साथियों हमारे वीडियो को आप लोग पसंद करते हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।